कि सुपर नॉर्मल इंडिविजुअल्स कौन होते हैं अब यहां हम देखें कि इसके अंदर वो लफ्स बोलते हैं कि दिस थे आंटरप्रॉट सुपर नॉर्मल जैसे मैंने आपसे बात की थी आपको याद होगा कि मैंने पिछले बहुत से टॉपिक्स पर ये बात की और मॉड्यूल्स में ये बात की कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सोशल फिर इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक्स के बाद मैंने साइकोलॉजी की भी काफ़ी बात की साइकोलॉजी के मुताबिक हम प्रडिक्शंस जब देते हैं तो काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि ये गैप की कोई बात है या ये आदमी पैरानॉर्मल है या सुपर नॉर्मल है या इसके ऊपर कोई आ, आ, यानी एक ख़ास कैफियत तारी होती है यानी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है किसी चीज़ पर गैप का उतरना यानी कोई आदमी अगली आने वाले वक्त की पेशन गोई करता है या बिज़नेस के अंदर कुछ ऐसे मूव्स ले, ले लेता है जो बाकी नहीं लेते वो कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ गैब उतरता है या गिफ्टेड है मैंने अर्ज की थी कि आप इसको साइकोलॉजिकल लीजिए और टेक्निकल प्रेगमेटिक ग्राउंड्स पर ले प्रेगमेटिक यानी अकलीत के ऊपर मैंने एक ग्राफ भी शुरू में बनाया था जिसके अंदर मैंने कहा कि मुशाहिदा जो है दो चीज़ों से बनता है यानी एम्पेलिजम और रैशनलिज्म इम्पेजम यानी मेरे पांच हवा से खमसा मेरे पांच सेंसरी ऑर्गन्स वो जब कन्वर्ट होते हैं तो मेरी रैशनलिज्म यानी अकलीयत अकलीत के नहीं अकली तक पूरा करेंगे मेरी ब्रेन को एक्टिविटी पहुंचेगी फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और फिर मैं एक मुशाहे की शक्ल दूंगा अच्छा जब तक मैं मुशाहे की शक्ल आएगी वो मेरी तीन शक्लों में आएगी एक तो मेरा कॉन्शियस है आपने देखा होगा साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को आधे तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा रिटेन कर ही नहीं सकता आप मुझे जितना मर्जी बताते रहेंगे आपके दिमाग से निकल जाएगी लेकिन कुछ को मैं कोड करूंगा यानी इनकोड कोड डी कोड री कोड फिर कोड होगा यानी कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपके दिमाग में उतार देना चाहता हूं आपकी मेमोरी में जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमागों में उतर जाए वो बात उतरने की यह कि आंटर इज द वन जो कि कंसिस्टेंटली किसी भी चीज को सोचता है और वो हो जाती है अच्छा अब ये क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या सुपर नॉर्मल एक्टिविटी है पैरानॉर्मल तो ये हो गया ना कि कोई जेन्युइन आता होगा या कोई मेरा हमजात आता होगा ऐसा इस चीजों से तो निकल जाइए दूसरी चीज़ है कि कॉन्शियस सब कॉन्शियस और मेटा कॉन्शियस सब कॉन्शियस एक है आपका कॉन्शियस दिमाग चार किस्म का बता दिया एक है आपका सब कॉन्शियस मेनली आपका सब कॉन्शियस दिमाग भी आपको नॉर्मली वो रिस्पॉन्ड नहीं करता यानी इंपल्स और रिपल्सिव एक्शंस को रिपोर्ट नहीं करता लेकिन कुछ लोगों का जो दिमाग होता है वो सब कॉन्शियस को भी अलर्ट पे रखता है तो बहुत सारी मेमोरी उसके अंदर स्टोर करता रहता है मौके पे कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो वो कहता है कि अगर आपसे 2020 में किसी ने एक ऐसी बात पूछी जो 2019 में भी ऐसे सिचुएशन में किसी ने क्या किया था तो वो अपनी मेमोरी में से ही उस चीज को निकालता है और उस सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट कर देता है तो लोग कहते हैं कि देखो इसके पास कोई प्रडिक्शन थी कोई रिपोर्ट थी या गैप से कोई ख्याल आया तो ऐसा नहीं होता लेकिन एक्चुअली वो सबकॉन्शियस या आपका सब कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियस माइंड जो है वो काम कर रहा होता है जिसको हम आमतौर पर मेटा कॉन्शियस कहते हैं अच्छा सुपर नॉर्मल के अलावा ये आप इसको रिप्लेस करके मेटा कॉन्शियस भी लगा दें और रिसर्च के स्टूडेंट इसको लिख भी लीजिए कि आप इसको आमतौर पर एनालिसिस की जुबान में मेटा एनालिसिस भी कहते हैं नाउ आगे वो ये कहते हैं कि दे आर द पीपल हु रिप्रेजेंट द मॉडल पर्सनैलिटी ऑफ द सोसाइटी मॉडल पर्सनैलिटी इज द टर्म यूज बाय द

इनको बात करने की जरूरत नहीं है और आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ मत जाएं आप फिक्शन की तरफ मत जाएं ये एक सीधी सीधी सी बात है कि आपका डेटा जो है वो सबकॉन्शियस में होता है और आपने जो सिचुएशन के मुताबिक यूज करना होता है ना आप खुद को प्रॉब्लम में लेकर आए आप एक और बात भी याद रखिए कि साइकोलॉजी ने बहुत सी बीमारियां दे दी हैं ऑटिस्टिक कह देते हैं क्या आप ऑटिस्टिक हैं आपका एंगर आ जाता है आप सोशली डिस्टेंट हो जाते हैं आपको डिस्टेंस पसंद आता है आप लोगों से मिलना नहीं चाहते ये नॉर्मल बिहेवियर कंसिडर नहीं होता और साइकोलॉजी के मुताबिक इसको बीमारी कंसिडर कर दिया जाता भाई पहले ज़माने में शायद इलाज नहीं होता था मैं अपना बता सकता हूँ कि मुझे भी अगर ये ऑटिस्टिक है तो फिर मैं मेरे ख्याल में ऑटिस्टिक हूँ कि मुझे बगैर वजह के मिलना पसंद नहीं अच्छा कहीं पे जरूरत की बात नहीं हो रही कि मैं नहीं सुनूंगा अच्छा मेरा दिमाग रजिस्टर ही नहीं करता बगैर वजह के अगर किसी के अंदर रिजल्ट्स नहीं निकलने और इनपुट के बाद प्रोसेस होकर आउटपुट नहीं होना तो मेरा दिमाग रजिस्टर नहीं करता मैं यानी ये नॉवल्स नहीं देख सकता मैं नॉवल्स सुन नहीं सकता मैं कहानियाँ नहीं पढ़ सकता आ, मैं जिसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलते मैं उन किसी भी चीज़ को मेरा दिमाग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता अनलेस किसी स्टोरी में जान हो फॉर एग्जाम्पल कि सात दफ़ा एक चूंटी गिरी और आठवीं जगह आठवीं दफ़ा उसने अपना मकसद हल कर लिया ये स्टोरी मैं रजिस्टर करूंगा लेकिन मैं ये स्टोरी रजिस्टर नहीं कर सकता कि नमरूद उड़ा और तीर लेकर माजल्ला ज़ल्ला सुमा माज़ल्ला खुदा को मार दिया और तीर के ऊपर कुछ नहीं तीर के ऊपर मुर्गी का खून लग गया और उसने आकर बताया कि खुदा को मैंने मार दिया माज़ल्ला सुमह माजल इस स्टोरी को मैं रजिस्टर नहीं करूंगा इसी तरीके से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग हर वक्त खराफात में पड़ते हैं तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट एंड एक्सटेंडेड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ना आपके बिजनेस में बंदिश होती है ना आपका जादू होता है ना कोई खास टोना होता है होता होगा लेकिन उसके लिए कुरने मजीद ने आपको सिंपल दो हल दे दिए कि आखिरी दो सूरतों को आप पढ़ें और मामला ख़त्म तो इतने बड़े आप मामला में नहीं जा सकते आप मुझे नहीं बताइए कि सुपर नॉर्मल नेचुरल एक्टिविटीज में आप पूरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दें और आप ये कहें कि मैं कामयाब इसलिए नहीं हो सका किसी ने ऊंट की हड्डी दबा दी थी और किसी ने मेरे बालों के अंदर से ग्यारह जो है वो गिरहे बांध दी थी और मेरे पुतले के अंदर अठारह किस्म की सुइयां डाल दी थी दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस और आप जो है आ, उस चीज को अवॉइड ना करें तरक्की का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है वो है तरक्की और रुकना ना और चलते रहना इसको तरक्की कहते हैं और क्रैन साहब की हमने जैसे बात समझी और सुनी वो दिस इज वॉट It is a psychological, neurological, and then we have to supposedly give to the cultural factor and we'll get the results. Thank you very much.